आईपीएल 2019 की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खबरें आ रही थी कि बॉलीवुड के महान नायक अमिताभ बच्चन आईपीएल में टीम खरीदने वाले हैं। अमिताभ बच्चन ने इंडियन प्रीमियर लीग की किसी भी फ्रेंचाइजी में उनके परिवार द्वारा हिस्सेदारी लेने की बात को नकार दिया है। मीडिया में चल रही इन खबरों के बारे में जब आईएनएस ने अमिताभ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये खबरें गलत हैं। इससे पहले ये आशय की रिपोर्ट आई थी कि अमिताभ ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पहल की है। चेन्नई से इस मसले पर बात असफल रही, जबकि राजस्थान के साथ पहले दौर के बाद बात आगे बढ़ सकी। बच्चन परिवार पहले ही देश की दो लीग में फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक को अपने पास रखे हुए है। फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग में परिवार के पास चेन्नई एफसी में हिस्सेदारी है, तो वहीं प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम का भी मालिकाना हक बच्चन परिवार के पास है। बता दें कि अमिताभ बच्चन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं और वो कई आईपीएल मुकाबलों में दिख चुके हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आई थी कि फैंस को एक्साइटेड कर दिया। बता दें शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स और प्रीति जिंटा किंग्स इलेवन पंजाब की ओनर हैं। दोस्तों आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिकेट आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।